एमपी में खत्म हुई वोटिंग, अब तक 71.16% वोटिंग, नक्सल प्रभावित 6 सीटों पर 3 बजे तक हुई थी वोटिंग। छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज में कुल 67.34% हुआ मतदान, धमतरी में सबसे ज्यादा, बिलासपुर में सबसे कम वोटिंग। वोटिंग के लिए सीएम शिवराज पहुंचे बुधनी, लाडली बहनों से लिया आशीर्वाद, परिजनों से बातचीत के बाद वोटिंग सेंटर पहुंचकर किया मतदान। वोटिंग से पहले शिवराज सिंह चौहान ने लिया मां नर्मदा का आशीर्वाद, विधिवत की पूजा अर्चना, आस्था से तर मां नर्मदा का है सियासी महत्व भी। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में डाले वोट, लोगों से की वोट डालने की अपील, भोपाल के कांग्रेस दफ्तर से रखी वोटिंग पर नजर। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में की वोटिंग, 75 पार का किया दावा, पाटन से कांग्रेस के उम्मीदवार। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल का दिखा सहज अंदाज, वोटिंग के लिए कतार में अपनी बारी का किया इंतजार, कहा सबको वोटिंग का अधिकार। दिग्विजय सिंह ने भी डाला वोट, कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन, कांग्रेस की जीत का किया दावा। तो आखिरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है। अब बारी है 3 दिसंबर की, जब नतीजे गिने जाएंगे, यानी कि काउंटिंग होनी है। हालांकि वोटिंग खत्म होते ही सियासी गलियारों में कयास और अटकलों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। आखिरकार मध्य प्रदेश की 203 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटें मिलाकर 300 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब सभी को इंतजार है 3 दिसंबर रविवार का, यानी फैसले के ऐलान का दिन, किस पर सूर्य की कृपा होगी और कौन झेलेगा सितम। ये 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। मध्य प्रदेश में छिटपुट घटनाओं के बीच और ग्वालियर चंबल के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक हिंसा उत्पात हंगामे की खबरों के बीच आखिरकार मतदान कार्य सम्पन्न हुआ। भिंड और मुरैना की 2 सीटों पर तो बसपा कांग्रेस बीजेपी नेताओं को नजरबंद करने की नौबत भी आई, ताकि हालात काबू में रह सके। इंदौर की महू में भाजपा कार्यकर्ता पर कांग्रेसियों पर धारदार हथियार से हमले का आरोप लगा। मुरैना जिले के दामिनी में एक मतदाता केंद्र पर फायरिंग भी हो गई। ग्वालियर चंबल के अलावा भोपाल के हिंद कॉन्वेंट स्कूल में विवाद का एक वीडियो सामने आया। इंदौर 4 विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के एक समर्थन की हत्या का मामला भी सामने आया। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला दर्ज किया गया है। इधर उज्जैन और खरगोन में एक एक वोटर की मौत की खबर मिली, तो रायसेन के सिलवानी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों से ईवीएम में खराबी की खबरों के बीच वोटिंग हुई, जबकि गरियाबंद में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट की खबर आई है। अब जरा आंकड़ों की बात की जाए तो शाम तक मध्य प्रदेश के 71.16% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे। इसमें अगर मामला 82% से ज्यादा स्कोर के साथ आगे था, जबकि अलीराजपुर में सिर्फ 56% के बीच वोटर्स अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकले। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 68% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जहां धमतरी का वोटर मेरिट के करीब रहा, यानी 80%, जबकि न्यायधानी बिलासपुर के लोगों ने सबसे कम दिलचस्पी दिखाई, सिर्फ 61% के करीब लोग घरों से बाहर निकले और वोट किया। हालांकि 5 बजे तक जो लोग कतारों में शामिल हो गए थे और जिन्होंने पोस्टल बैलेट घर पहुंच मतदान सेवा का इस्तेमाल किया था, उनके आंकड़े आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। अब अगर वोटिंग का इतिहास खंगाले तो मध्य प्रदेश में 2013 में 72.69% वोटिंग हुई थी, जबकि 2018 में 75.63% मतदान हुआ था। वहीं छत्तीसगढ़ में 2013 में 77.45% वोट पड़े, तो 2018 में ये आंकड़े 76.88% पर अटक गया। अब सभी को इंतजार है जब जनादेश का फैसला सुनाया जाएगा।
वोटिंग के दौरान और बाद भी भाजपा कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान से लेकर कमलनाथ तक ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। पहले ज्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन हाल के दो चुनावों में डेटा आधारित राजनीति ने इस फॉर्मूले को फेल कर दिया है। साथ ही तकनीक के इस्तेमाल के चलते अब एक एक सीट का अलग अलग विश्लेषण भी सामने आने लगा है। लिहाजा राजनीति के जानकार भी किसी एक वोट के इस और उस करवट बैठने को लेकर साफ नहीं है। तो 3 दिसंबर का इंतजार करिए, जब आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले नतीजे दिखाएगा और आपका जनादेश आप तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं जबलपुर पूर्व विधानसभा में बमबाजी का वीडियो सामने आया। दरअसल यहां पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यकर्ता भिड़ गए। थाना हनुमानताल और धमापुर में गोली चलाने की घटना हुई है। आपको दिखा रहे हैं वीडियो, किस तरीके से कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। देखिए सरेराह यहां पर ये पूरा हंगामा, ये घायल को यहां से ले जाते हुए आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहां पर गोली चलाई गई, फायरिंग हुई, पथराव भी हुआ था। इस फायरिंग में एएसआई के कान में, जो ये घायल हुए हैं शख्स वो एएसआई हैं, इनके कान में गोली लगी इस फायरिंग में और फिर इन्हें यहां से ले जाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बमबाजी का ये वीडियो जबलपुर पूर्व में सामने आया। ये देखिए धमाका होता है और उसके बाद यहां घायल को ले जाते हुए आप देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी। ये देखिए ये धमाका आपने देखा, वहां पर बिजली आपको दिखी, लोग भागते हुए दिखे, अफरा तफरी हुई। यहां पर एएसआई के कान में गोली का छर्रा भी लगा। बवाल होने के बाद मौके पर कलेक्टर पहुंचे, पुलिस अधीक्षक पहुंचे। और अब बात दिल्ली मेट्रो की, जहां एक बार फिर एक युवा जोड़े का अश्लील वीडियो सामने आया, जो सार्वजनिक जगह पर इस तरह के हरकत से शर्मसार करने वाला है। मेट्रो में मर्यादा किस तरह तार तार हुई, ये देखिए। मेट्रो में अश्लीलता की सारी हदें पार। मेट्रो को युवाओं ने बनाया अय्याशी का अड्डा। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर मर्यादा तार तार हुई है। इसमें एक लड़का और लड़की दोनों अंतरंग होते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इन दोनों की हरकतें ऐसी जिसे देखकर कोई भी अपना सिर शर्म से झुका ले। इसमें एक लड़का लड़की को किस कर रहा है। मेट्रो के फर्श पर बैठने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ये दोनों बेफिक्र होकर मेट्रो के दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गए हैं। सार्वजनिक जगह पर इस तरह का व्यवहार करना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। वीडियो में ये युवा जोड़ा चलती मेट्रो ट्रेन में लोगों के बीच अंतरंग हो रहा है। मेट्रो की सीट पर कई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस जोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वीडियो में लड़की लड़के के गोद में लेटी हुई है। समाज, संस्कार, तहजीब किस बला का नाम है, वो भी इन्हें नहीं मालूम। हालांकि ये वीडियो कब का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे वीडियो सामने आने से ये दिख रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक जगहों पर कपल इस तरह की हरकतें बार बार क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने से अब दोनों की खूब वजीहत भी हो रही है। लोग दोनों को भर भर कर ताने मार रहे हैं। कुछ लोग इस जोड़े पर कार्रवाई की डिमांड भी कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में प्रेमी जोड़े के अश्लील वीडियो का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी कई मौकों पर मेट्रो में अश्लील हरकत, झगड़े और डांस का वीडियो वायरल हो चुका है। आए दिन मेट्रो में हुई अश्लीलता और आपत्तिजनक हरकतों की वजह से मेट्रो काफी चर्चा में रह रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से कई बार मेट्रो में यात्रियों से रील्स या वीडियो ना बनाने की अपील की जा चुकी है।
जून के महीने में भी डीएमआरसी ने बच्चों की एक मशहूर कविता के जरिए मेट्रो यात्रियों को मेट्रो में वीडियो बनाने से बचने की सलाह दी थी, लेकिन मेट्रो की अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। इन युवाओं ने शालीनता की सारी सीमा को पार कर दिया है, जो मेट्रो में सफर करने वाले दूसरे यात्रियों को भी असहज करता है। दिल्ली मेट्रो यहाँ की लाइफलाइन है, जिसने लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए काफी सहूलियत दी है। मेट्रो में सफर करने से समय की बचत होती है, लेकिन युवा मेट्रो का गलत फायदा उठा रहे हैं और समाज में अश्लीलता का खुला प्रदर्शन हो रहा है। वहीं मेट्रो से एक और कपल का वीडियो सामने आया है, हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसमें भी एक लड़का और लड़की है, दोनों सीट पर बैठकर अंतरंग हो रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रही है। वहीं पर मौजूद किसी यात्री ने उनका ये वीडियो शूट कर लिया, जिसके बाद ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और अब बात उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। जी हां, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला रविवार 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। देश उस बार चाहता है कि भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बदला ले। ये रिपोर्ट देखिए। बीस साल का इंतजार अब होगा पूरा, क्योंकि 20 साल बाद आया है बदले का रविवार। हर भारतीय फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है कि रोहित की सेना क्रिकेट का सबसे बड़ा कप जीत कर आए। जैसे कि पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया है, उससे ऑस्ट्रेलिया के खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया अलग ही तेवर में दिखाई दे रही है, जिससे लग भी रहा है कि फाइनल में कंगारू ढेर होने वाले हैं। भारतीय टीम जहां सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर फाइनल्स में पहुंची है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की कड़ी चुनौती मिली। 213 का टारगेट हासिल करने में उसके खिलाड़ियों को पसीना आ गया, क्योंकि एक एक रन जोड़ना भारी पड़ रहा था। लेकिन फाइनल्स में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई ढील नहीं देने वाली। भारत का प्लस पॉइंट ये भी है कि उसने अपने लीग मैच में सभी 9 मैच शानदार अंदाज में जीते और सेमीफाइनल्स की बड़ी बाधा को भी पार कर लिया। वहीं लीग स्टेज में अपने पहले मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है। आज से ठीक 20 साल पहले साउथ अफ्रीका में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। साल 2003 में खेले गए इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा कर बड़ा दर्द दिया था। भारत ने इस फाइनल को 125 रनों से हारा था, जिसे आज तक कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन नहीं भूल पाया है। लेकिन अब वो बीते जमाने की बात हो चुकी है, क्योंकि अब भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों में हर कोई मैच विनर है और यही बात टीम इंडिया को दूसरी टीमों से अलग दिखाती है। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल तय हो चुका है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हैं, जहां पर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं लखनऊ के, जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम को वो कैसा पाते हैं, कि आखिरकार फाइनल्स में क्या उम्मीदें हैं। ऑस्ट्रेलिया जो 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल हरा चुकी है, इंडिया को 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, और इस बार फिर भारत का उसी से सामना पड़ा है। आपको क्या लगता है, इंडियन क्रिकेट टीम कितनी स्ट्रांग है और कैसा होगा वर्ल्ड कप फाइनल? ये मुझे लगता है वर्ल्ड कप फाइनल भी वैसे ही हुआ जैसे फाइनल हुआ था। वन साइडेड डोमिनेशन रहेगा, रोहित शर्मा ने जैसे स्टार्ट दिया जैसे स्टार्ट देगा, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और विराट कोहली अच्छा करेंगे, तो वैसे ही रहेगा जैसे जैसे फाइनल खेले वन साइडेड जीतेंगे। वनडे क्रिकेट के महाकुंभ में जहां भारत 2 बार विजेता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है, लेकिन टीम इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम इंडिया इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का 4th फाइनल खेलने जा रही है। साल 1983 और उसके 28 साल बाद साल 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, जिससे इस बार भारत के पास 3री बार वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का मौका भी है। इस बार इंडिया फाइनल जीत के आएगी, रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग ये वाला फाइनल जीतने जा रहे हैं। मोहम्मद शमी अमरोहा के रहने वाले हैं और इसी जिस ग्राउंड पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन मोहम्मद शमी ने किया, इंशाल्लाह मुझे पूरी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि फाइनल में इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन मोहम्मद शमी करेंगे और टीम इंडिया इंशाल्लाह फाइनल जीत के आएगी।
हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचेंगे। उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्शल को भी न्योता भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने मुंबई में अपने निवास एंटीलिया में इंग्लैंड के फुटबॉलर स्टार डेविड बेकहम की मेजबानी की। अंबानी परिवार के आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और श्लोका अंबानी भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान बेकहम 7 नंबर की जर्सी भी थामे हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अंबानी परिवार के मेहमान बने स्टार डेविड बेकहम। इसमें पूरा अंबानी परिवार आपको दिखाई दे रहा है। आकाश अंबानी है, ईशा अंबानी और श्लोका अंबानी इस दौरान मौजूद हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ। डेविड बेकहम के हाथों में 7 नंबर की जर्सी भी दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। शनिवार को 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। तो वहीं भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। अंतिम दिन 10 से 12,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी 18,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। तो यहां आप देख सकते हैं किस तरह फूल मालाओं से पूरे परिसर, मंदिर परिसर को सजाया गया है। और कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में होंगे। और अब बात तमिलनाडु की, जहां 15 फीट का कोबरा एक फैक्ट्री में घुस गया। उसके बाद तो हड़कंप ही मच गया। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोबरा ने उन पर हमले की कोशिश की, देखिए। कोबरा ने मचाई दहशत। फैक्ट्री में पहुंचा 15 फीट का कोबरा। तमिलनाडु के तेनकासी जिले की एक फैक्ट्री में विशालकाय कोबरा घुस आया। वहीं पर काम करने वाले एक श्रमिक की नजर उस पर पड़ी तो उसके हाथ पांव फूल गए। इसके बाद फैक्ट्री के दूसरे लोगों ने देखा तो वो भी खौफ में आ गए। अब 15 फीट का कोबरा फैक्ट्री में दाखिल हो चुका था तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को कोबरे की सूचना दी। वन विभाग की टीम भी बिना देर किए मौके पर पहुंची और कोबरे का रेस्क्यू शुरू कर दिया। वन विभाग के कर्मचारियों ने कोबरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोबरा अचानक हरकत में आया और हमला करने के लिए आतुर हो गया। वन कर्मियों ने कोबरे के आक्रामक होते ही उसे फिर से जमीन पर छोड़ दिया। क्योंकि वह हाथों से छिटक चुका था, सभी उससे दूर भागने लगे। उसके बाद तो कोबरा फन फैलाने लगा जैसे कि अब वो डस ही लेगा। वो जंगल की तरफ भागने लगा। वनकर्मी उसकी हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए थे। उस पर काबू पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। वो घने पेड़ों की तरफ चढ़ाई पर चढ़ता जा रहा था, जिससे लग रहा था कि इतने विशालकाय कोबरे को पकड़ना अब बूते में नहीं। लेकिन
वन विभाग के कर्मचारियों ने हार नहीं मानी और आखिरकार कोबरे पर काबू पा ही लिया, उसको पकड़कर ही दम लिया। तेनकासी के गोविंदा बेरी इलाके में ये फैक्ट्री पड़ती है जो कदियम नगर पालिका के अंतर्गत आती है, लेकिन इतनी देर में कोबरे ने दहशत जरूर मचा दी थी। कोबरे के काबू में आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। वन विभाग इतने विशालकाय कोबरे का रेस्क्यू करने में कामयाब रहा। बाद में उसे एक बोरे में डालकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खबर असरदार में मेरे साथ यानी अपर्णा के साथ फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।